और अब बात उस महातूफान की जिसके बारे में मौसम विभाग ने देश के 17 राज्यों को अलर्ट किया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई राज्यों में तेज आंधी तूफान की आशंका जताई है। साथ ही उत्तर पूर्व और दक्षिण के कुछ राज्यों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। बुधवार रात भी यूपी राजस्थान समेत देश के उत्तरी इलाकों में धूल भरी आंधी चली थी। इसके असर से गुरुवार को दक्षिणी राज्यों में जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 5 से 7 मई तक उत्तराखंड, राजस्थान, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर आंधी तूफान की आशंका है। लेकिन हम आपको डराने के लिए नहीं बल्कि खबरदार करने के लिए ये खबर दिखा रहे हैं, इसीलिए आप आज और कल खास तौर से सावधानी बरतें। बाहर जाएं तो चेहरा ढककर जाएं, और जिन्हें सांस की परेशानी है उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। भयंकर तूफान और जानलेवा तबाही, ये तस्वीरें बुधवार की हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि खतरे की घड़ी बीत गई तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये खतरनाक आफत फिर लौट सकती है। ये अलर्ट मौसम विभाग का है कि देश के कई राज्यों में 100 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी कहर बरपा सकती है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी की है और तूफान की आशंका से प्रभावित राज्यों के लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। जिन राज्यों में तूफान कहर बरपा सकता है वो 17 राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उसके साथ में जो प्लेन्स हैं पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट यूपी, यहां पर थंडर स्क्वैल अलोंग विद हेल एंड जो आपके मैदानी भाग हैं वहां पर थंडर स्टॉर्म्स विद गस्टी विंड, तेज हवाओं के साथ होने की प्रोबेबिलिटी अगले 3 दिन तक है। मौसम विभाग के मुताबिक इस महातूफान की वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से भारी बारिश और तूफान फिर तबाही ला सकता है। इसकी आशंका को देखते हुए हरियाणा में 7 और 8 मई को सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने के लिए कहा गया है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 8 मई तक रुक रुक कर बारिश और ओले गिरने की संभावना है। दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज आंधी और बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के राज्यों को भी सावधान रहने के लिए कहा है। रेनफॉल जो है ज्यादातर आपको मेघालय और सदर्न पार्ट ऑफ जो आसाम है वहाँ पे कन्फाइंड रहेगा, और साथ और दूसरी जगह भी थोड़ी आइसोलेटेड रेनफॉल होगा। वार्निंग भी है कि थंडरस्टॉर्म एकम्पनीड विद गस्टी। मौसम विभाग ने देश के 17 राज्यों में जिस महातूफान का अंदेशा जताया है उसका ट्रेलर बुधवार को नजर आ चुका है, जब सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही 73 से अधिक लोगों की मौत हुई और राजस्थान में 35 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बुधवार को 132 किलोमीटर की रफ्तार से आए जानलेवा तूफान ने ताजमहल को भी हिला कर रख दिया। इतिहासकारों का दावा है कि ताजमहल को 368 साल में पहली बार कुदरत के कहर से नुकसान पहुंचा है। इस महाबवंडर ने फतेहपुर सीकरी किले की दीवारें भी हिला कर रख दी थी, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आसमानी तबाही कितनी खतरनाक थी, जिससे पेड़ जड़ से उखड़ गए, मजबूत खंबे धराशायी हो गए और मजबूत मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। जब मौसम के बारे में चेतावनी दी जाती है तो सभी को इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, और जब हम ये बताते हैं कि विंड स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी तो पेड़ों के गिरने की संभावना है, पोल भी गिर सकते हैं। इसलिए अब जरूरत है लोगों को सावधान रहने की। मौसम विभाग चेतावनी दे चुका है कि तबाही का तूफान अब किसी भी वक्त बिना बताए आ सकता है, लेकिन सावधानी और सजगता से इसे जरूर टाला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।